हेलो एवरीवन वेलकम टू सीबीएल और इस सेशन में हम यूनियन बजट 2021 के फिफ्थ पिलर के बारे में डिस्कस करेंगे सो स्टार्ट right? so करते हैं सो so अभी तक हमने छह पिलर्स के बारे में देख लिया बजट 2021 के ठीक है तो हेल्थ एंड वेलबींग था फिजिकल एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर था इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया हमने देखा देन हमने देखा स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन कैपिटल आज हम बात करेंगे इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी नेशन के ग्रोथ के लिए और इनोवेशन एंड रिसर्च एज वेल एज आर एंड डी आपके हर फील्ड के लिए ज़रूरी है अगर आपको पता है कि आने वाले टाइम में हमारी जो टेक्नोलॉजी हो चेंज हो रही है बहुत ही फास्ट हो रही है आपको दिख ही रहा होगा कि अभी कैसे पाँच साल पहले तक ये सिंगल कैमराज होते थे बट अब मोबाइल में चार चार कैमराज तक आ रहे हैं हमने ट्रांजिशन किया फ्रॉम टू जी डेन थ्री जी अब तो फाइव जी आने वाला है और राइट right? तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है ठीक है इसको आप रोक नहीं सकते हैं और एक नेशन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इनोवेशन बहुत ज़रूरी है हर फील्ड में ठीक है तो हम देखेंगे यूनियन बजट ट्वेंटी में इसके लिए क्या क्या, क्या किया गया है राइट right?

उसके स्कोप के और एप्लीकेशन के बारे में बताना था ठीक है तो नया टेक्नोलॉजी आप सबको पता ही है कि मटेरियल साइंस का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये राइट आप सबको पता होगा कार्बन फाइबर्स जो हमारी आजकल जो ऑटोमोबाइल्स हैं जो सुपर कार्स जिनको बोला जाता है वो सब कार्बन फाइबर से बनी रहती हैं ग्रफ़ीन एक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है राइट तो ये ये बेसिकली क्या है इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंटिन्यूस इनोवेशन लगातार इनोवेट करते करते हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हमें एक ऐसा मटेरियल मिल चुका है जो कि स्टील से हंड्रेड टाइम्स ज़्यादा स्ट्रोंगर है ठीक है और उससे आधा आधे से भी कम उसका वजन है ठीक ये कैसे हुआ पॉसिबल हुआ ड्यू टू कंटिन्यूस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन राइट ये तो हो गया एक फील्ड के बारे में मूविंग ऑन यू पी अगर हम स्पेस की बात करें तो हमारा चंद्रयान मिशन हो गया या मार्स ऑर्बिटर हो गया राइट right? अभी हमारा गगनयान मिशन भी जो अनमैंड मिशन हम भेज स्पेस मिशन भेजने वाले हैं राइट right? तो ये स्पेस के डोमेन में कंटिन्यूस इनोवेशन की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है राइट सो ये अगेन यूपीएससी दो हज़ार सत्रह में इंडिया हैज़ अचीव रिमार्केबल सक्सेस इन अनमैंड मिशन राइट सो इसके ऊपर क्वेश्चन आया था तो स्पेस के डोमेन में क्वेश्चन पूछ लिया मटेरियल साइंस के डोमेन में क्वेश्चन पूछा इसने राइट right? आगे देखते हैं 2018 में आपका बायोटेक्नोलॉजी अगेन बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आप सबको पता ही है चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे वो आप सबने थ्री पेरेंट बेबी का नाम सुना हो राइट जीन एडिटिंग यूपीएससी यूपीएससी 2018 एंड 19 दोनों साल एक क्वेश्चन आया है क्रिस्पर कैस नाइन के ऊपर क्रिस्पर कैश नाइन जो कि एक जीन एडिटिंग टूल है जीन एडिटिंग टूल है इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था राइट right? तो पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो गया और मीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो गया ऑलराइट चलिए नेक्स्ट देखते हैं 2019 में गवर्नमेंट का ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मेडिसिन को पेटेंटिंग से रिलेटेड तो पेटेंटिंग अगेन इनोवेशन का पार्ट हो गया है कैसे हम ट्रेडिशनल मेडिसिन का यू नॉलेज का यूज करके हम अपने हेल्थ सेक्टर को कितना अच्छा हम इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे हमारी दोनों चीज़ें हो जाएंगी हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो भी कंजर्व होगा इसको कंजर्व कौन करते हैं ट्राइबल से उनका डेवलपमेंट भी होगा और साथ ही साथ हेल्थ में नए नए इनोवेटिव मेडिसिन हम यूज़ कर पाएंगे, तो right. so, ये क्वेश्चन आया था। Then UPSC, 2020 में ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांस आर रेडली टू विन ओवर बेसिकली कोविड 19 के टाइम में क्या क्या इनोवेटिव तरीके आए हैं जिससे हमने इस पैंडेमिक को रोका ठीक है तो अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं केरला में रोबोट्स का यूज़ हो रहा था कोविड पेशेंट्स को मेडिसिन फूड वाटर ये सब चीज़ें पहुँचाने के ताकि ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट ना हो और रोबोट्स उन चीज़ों को वहां तक पहुँचा सकें तो ये क्या ये सब चीजें पॉसिबल कैसे हैं ड्यू टू इनोवेशन ड्यू टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट राइट तो इन वजह से ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई और हर साल इन अलग अलग इनोवेशन पे क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग डोमेन में जैसे हेल्थ हो गया राइट right? आपका ट्रेडिशनल नॉलेज हो गया आपका बायोटेक हो गया जैसे अगर मैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हाई गिल्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स आए हमारे पास राइट अभी जैसे अगर हम बात करें तो बी कॉटन हो गया ये सब चीज़ें इसी की वजह से पॉसिबल हो पाई ठीक है तो इन पे क्वेश्चन आते ही आते हैं जितने भी नए नए इनोवेटिव या लेट्स से साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहे हैं क्वेश्चन उस पर बनते ही बनते हैं ऑलराइट चलिए अब देखते हैं हम इस बार के बजट में क्या क्या चीज दी गई है रिगार्डिंग इनोवेशन आरएनडी, आर है? डी ठीक है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ठीक है ये 2019 में इसको बनाया गया था नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्यों ठीक है अब इस बजट में उसका जो आउटले है वो पचास हजार करोड़ के बराबर कर दिया गया है ओवर फाइव इयर्स इसको इतना पैसा दिया जाएगा ठीक इससे फायदा क्या होगा जितने भी रिसर्च इको सिस्टम है पूरे कंट्री में उनको स्ट्रेंथनिंग मिलेगी साफ सीधी बात है पैसा आप इतना दे रहे हो तो ये प्रोवाइड करेंगे उन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स को ऑलराइट और जो फोकस रहेगा वो रहेगा नेशनल आइडेंटिफाइड एज नेशनल प्रायोरिटी थर्स्ट एरिया जो भी नेशन के लिए सबसे प्रायोरिटी वाले एस्पेक्ट्स हैं उन पे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा वो इसका फोकस होगा ठीक है तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का आउटले पचास हजार करोड़ कर दिया गया राइट देन गवर्नमेंट ने एक नई इनिशिएटिव स्टार्ट की है नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन एन बोलते हैं ठीक है ठीके? अब इसका एम क्या है इट विल इनेबल द वेल्थ ऑफ गवर्नेंस एंड पॉलिसी गवर्नेंस और पॉलिसी में बहुत हेल्प करेगा कैसे भाई देखो कई चीज़ें आपको लट से किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में हम उसको ट्रांसलेट करा के दूसरे लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हैं राइट लद से यूपी में हिंदी में कोई चीज़ें हमने कोई गवर्नेंस रिलेटेड चीज़ें हमने स्टार्ट की उसका जो डॉक्यूमेंट है वो हिंदी में अब वही चीज़ हम इस मिशन के थ्रू ट्रांसलेट करा के लट से हमने केरला में दे दिया तो वो अब वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं या केरला के चीज़ों को हम अपने नॉर्थ इंडिया में यूज़ कर सकते हैं और राइट सो दिस विल इनेबल द वेल्थ ऑफ गवर्नेंस एंड पॉलिसी रिलेटेड नॉलेज ऑन द इंटरनेट हम इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड कर देंगे right? तो इसमें दिया गया था Then अगर हम बात करें ये तो चलिए आपका गवर्नेंस हो गया यह आपका इनोवेशन या रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड हो गया अब आइए स्पेस के डोमेन में स्पेस के डोमेन में हमने गगनयान मिशन को फर्दर थ्रच देने के लिए इस बार अगर आप सबने न्यूज पढ़ा होगा तो चार इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग के लिए रशिया भेजा गया है ओके okay? और द फर्स्ट अनमैंड लॉन्च इज स्लेटेड फॉर दिसंबर 2021 में हम लॉन्च करेंगे गगनयान मिशन का पहला अनमैंड मिशन उसके बाद हम मैंड मिशन भेजेंगे ठीक है तो इस पे थर्स दिया गया है इस बार भी राइट इसी के अंदर ये वाला पार्ट किया गया इन एस्ट्रोनॉमर्स को रशिया भेजा गया ऑल right? तो ये आपका स्पेस हो गया देन अगर हम बात करें ओशियंस या फिर अगर मैं बात करूं साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन की तो आपका डीप ओशियन मिशन देखो ये दोनों मिशन ना प्रम्स पॉइंट ऑफ व्यू से लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में डिटेल भी पता होनी चाहिए आगे एमसीक्यू में मैं आपको इन दोनों के ऊपर क्वेश्चंस भी कराऊंगा राइट right. तो डीप ओशन मिशन के लिए जो बजट है वो चार हजार करोड़ का नेक्स्ट फाइव इयर्स के लिए बना दिया गया है ठीक है इस मिशन का एम क्या होगा दिस मिशन विल कवर डीप ओशन सर्वे एक्सप्लोरेशन एंड प्रोजेक्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोडाइवर्सिटी मतलब एक्सप्लोरेशन के साथ साथ एक्सप्लोरेशन और सर्वे के साथ साथ जो डीप सी मतलब जो समंदर के अंदर बहुत डीप लेवल पे वहां भी तो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने के लिए ये एफर्ट करेगा ऑल राइट right? तो ये सारी चीजें आपकी इनोवेशन और आर एंड के एस्पेक्ट में बजट ट्वेंटी ट्वेंटी वन में प्रोवाइड की गई थी ठीक है चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू बेस्ड ऑन दीज इनोवेशन एंड आर डी प्रोस्पेक्ट ठीक है चलिए क्वेश्चन so है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गगनयान मिशन ठीक है पहला स्टेटमेंट है अंडर द ग्री फ्लाइट फ्लाइट एंड वन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट तो पहला स्टेटमेंट आपका ये रहा दूसरा स्टेटमेंट है इट विल सर्कल अर्थ एट अर्थ ऑर्बिट एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ थर्टी थाउजेंड टू फोर्टी थाउजेंड किलोमीटर फ्रॉम अर्थ फॉर फाइव टू सेवन डेज मतलब पांच से सात दिन के लिए ये जो सैटेलाइट है या फिर ये जो मिशन है ये अर्थ को सर्कल करेगा आउट एन अल्टीट्यूड ऑफ तीस हजार से चालीस हजार किलोमीटर की तो यहाँ पे आप पॉज कर सकते हैं बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है राइट सो वन ओनली टू ओनली बोथ वन इन टू नन ऑफ दॉज कर सकते हैं और आराम से इसको पढ़ के आंसर कर सकते हैं चलिए आंसर देखते हैं आंसर इज एनली वन ठीक है अब एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि रीजन क्या था सेकेंड स्टेटमेंट क्यों गलत है सो so, अगर आप लो अर्थ ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो ये जो ऑल्टीट्यूड है ये तीन हजार, तीस हजार से चालीस हजार नहीं होता है ये तीन सौ से चार सौ किलोमीटर होता है चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं सो so, पहले तो ये इसके अंदर तीन फ्लाइट तीन रहेंगी जिसमें से आपकी दो अनमैंड रहेंगी अनमैंड स्पेस फ्लाइट्स एंड एक आपकी ह्यूमन स्पेस रहेगी जिसके अंदर एक इंसान तीस हजार से चालीस हजार किलोमीटर वहां पर सैटेलाइट वगैरह आपकी रहती है जियो या जियो स्टेशनरी राइट right? तो ये आप डिटेल यहां से पढ़ सकते हैं मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर टू है आपका द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डीप ओशन मिशन ठीक है पहला स्टेटमेंट है द मिशन इज एम्ड एट एक्सट्रैक्टिंग द मिनरल इन द ओशन बेड सेकेंड है इट ऑल्सो इमेट कंजर्विंग द डीप सी बायोडाइवर्सिटी तो मैंने आपको भी बताया ही था सेम चीज तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट ध्यान दीजिएगा चलिए वे वन ओनली बी टू ओनली सी बोथ वन एंड टू या डी ना इधर से पॉज कर लो पढ़िए स्टेटमेंट ठीक है पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हमको इनकरेक्ट बताना है फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट क्योंकि ये मिनरल एक्सट्रैक्शन का मिशन नहीं है बल्कि सर्वे का मिशन है एक्सप्लोरेशन का मिशन है ठीक है सो एक्सप्लेन देख लेते हैं डीप ओशन सर्वे एक्सप्लोरेशन होगा राइट एंड कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोडाइवर्सिटी ये दो इसके मेजर एम्स हैं राइट तो ये बाकी एक्सप्लेनेशन आप यहां से पढ़ सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल इनोवेशन मिशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री ऑफ नीति नीति आयोग सी एस आई आर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड इसरो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अब देखिए मैं आपको भी बता दूँ, ये बता दूं ये यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन आया था अटल इनोवेशन मिशन के ऊपर चलिए आंसर देखते हैं आंसर इज बी ये नीति आयोग का इनिशिएटिव है तो इस टाइप के क्वेश्चन देखो प्रीलिम्स में भी आते हैं बहुत ही स्पेसिफिक कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स है ना उनको बहुत अच्छे से फोकस करना है ऑलराइट चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो उसका एम क्या है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का ये मिशन है फॉर डेवलपिंग आइडियाज इनोवेशन एंट्रप्रनोरशिप ठीक है फॉर डेवलपिंग इंडिया इट्स इन सस्टेनेबल वे राइट तो ये इसका डिटेल है आप यहां से पढ़ सकते हैं चलिए अब हम एक प्रैक्टिस करेंगे यूपीएससी मेन्स का एक क्वेश्चन ठीक है चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं

All right तो पहले आपको बताना पड़ेगा कि भाई इंडियन इकोनॉमी के वेरियस सेक्टर्स क्या क्या हैं तो बताइए कि प्राइमरी सेक्टर्स जिसमें आपका एग्रीकल्चर फिशरीज माइनिंग हो गया सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो गया देन बताइए टर्शरी में हमारा सर्विस ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन ये सब हो गया ठीक है अब बताइए कि इसमें अगर हाई ग्रोथ रेट करना है तो हमको इनोवेटिव तरीके से काम करना होगा तो बताइए अलग अलग फील्ड में क्या क्या इनोवेशन हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर फिशरीज में क्या इनोवेशन हुआ है माइनिंग में क्या चीज़ हुई है ऑलराइट मैन्युफैक्चरिंग right. सेक्टर में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर बता सकते हो मैंशन टर्शरी सेक्टर में बहुत इनोवेशन हुए हैं घर बैठे बैठे आप सब चीजें ऑनलाइन बुक कर लेते हो और राइट घर बैठे बैठे आप तो टेली मेडिसिन हो गया है टेली मेडिसिन आने लगी हैं आपकी ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट किए उन्होंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी वो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लिए तो इस टाइप के अलग अलग सेक्टर्स के आप एग्जाम्पल वहाँ दे सकते हो ठीक गवर्नमेंट के इनिशेटिवस मैंशन कर सकते हो जैसे हमने भी देखा था अटल इनोवेशन मिशन ईम मैंशन कर दिया आपने राइट नेशनल रिसर्च फाउंडेशन हो गया आपका ठीक है फिर अलग अलग सेक्टर में और क्या क्या चीज़ की गई हैं आप उनका मेंशन कर सकते हो जैसे नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन है हमारा ठीक जिसमें अलग अलग वेदर से, वेदर बेस्ड सैटेलाइट सिस्टम और ये सारी चीजें इस इसमें हमने मेंशन कर सकते हो ठीक है ये तो चलिए हो गया सेकेंड पार्ट अब इश्यूज क्या क्या एसोसिएटेड है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा तो आप बहुत ही अच्छा यहाँ पे इश्यूज बना सकते हो अलग अलग कि भाई फंडिंग बहुत कम आ रही है गवर्नमेंट का आप डेटा लिख सकते हो कि लगभग एक परसेंट के आसपास जीडीपी का कौन है आपका आर एन डी के लिए लेस देन वन परसेंट है बल्कि जीरो पॉइंट टू फाइव परसेंट के आसपास है कुछ जी डी पी का केवल जीरो पॉइंट टू फाइव परसेंट आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाता है जो कि बहुत कम है रिस्पेक्ट टू चाइना जहाँ चार से पांच परसेंट रहता है ऑल राइट सेकेंडली जो नए बच्चे हैं उनके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए हमारे पास चीजें कम है बच्चे इनोवेशन की तरफ थोड़ा कम गजार है क्योंकि वो उतना फ्रूटफुल नहीं है इसलिए अगर आप देखा जाए तो जो हायर एजुकेशन में पीएचडी वगैरह में ना एक परसेंट से भी कम बच्चे जाते हैं रीजन रेमेशन अच्छा नहीं है पैसे अच्छे नहीं मिलते हैं ऑल राइट right. तो बच्चे क्या होते है? फिर बोला कौन व्या करे है? बीस तीस हजार रुपए मिलेंगे तो क्या करेंगे तो उसको हमको ठीक करना है तभी तो बच्चे मोटिवेट होंगे कि नहीं यार रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइड चलते हैं देन वी हैव अ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए हमारे पास प्रॉपर इंफ्रा नहीं है आप खुद देखे होगे आप जहाँ भी कॉलेजेस में पढ़े होगे आप सब लोग आपने देखा होगा कि आपके यहाँ जो भी लैब्स हैं थी जैसे कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया होगा कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगा तो जो लैब्स होंगी वहाँ पर इनफिशियंट इक्विपमेंट्स ही नहीं रहते होंगे कि क्या बताएगा से कोई बच्चा है मैकेनिकल इंजीनियर का इंजीनियरिंग uh, का उसके पास कार का इंजन ही नहीं है तो कैसे समझेगा कि कैसे क्या क्या, क्या चीज़ होती कार के अंदर या अदर जो इक्विपमेंट्स नहीं होते थे ठीक है तो ये लैक ऑफ इक्विपमेंट और इंफ्रा की कमी होती है अपने यहाँ तो ऐसे इस एसोसिएटेड इश्यूज़ को आप मेंशन करके एक वे फॉरवर्ड बता सकते हो कि इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये पर्टिकुलर स्कीम स्टार्ट की है और इंडिया अपना अच्छा भी कर रहा है ठीक है आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मेंशन कर सकते हैं एंड ठीक है तो ऐसे आपको तैयारी करनी है ऐसे आपको एक आंसर लिखना है सारे क्वेश्चन के सब पार्ट्स को एड्रेस करना है राइट right? तो दिस इज ऑल फॉर टूडे एक आखिरी पिलर हमारा बच गया उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप कर लेंगे और बजट देखो मेरा इस सीरीज को चलाने का जो एम था वो केवल आपको बजट की चीजों को नहीं बताना था कि बजट 2021 में क्या क्या हुआ है ठीक है वो तो हमने चलो ग्लांस कर ही लिया सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कैसे आप बजट की चीजों से यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज मेन्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आप आपको एनकाउंटर करोगे आप right? राइट ये था इसका मकसद मेंस में तो देख ही रहो हर साल क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इनके सेक्टर अलग अलग इस पे तो हमको वो पर्टिकुलर सेक्टर जिसपे बजट फोकस करता है हमें वो खुद तैयार करना है यूपीएससी के लिए राइट right? उस पर आप चाहे ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लो या उसमें कुछ के से कोई फैक्ट्स आए हैं कोई स्कीम आई है उसको रेडी कर लो तो एक होलिस्टिक कवरेज करके जाना है आप अच्छे नंबर स्कोर करोगे ठीक है चलिए अल सी यू द नेक्स्ट वीडियो हैव अ सेफ डे बाय